गए, सेट दबाया, कॉन्फ़िगरेशन आ गया। कॉन्फ़िगरेशन के बाद आगे जाते रहे यहाँ, जब तक ऊपर पास नहीं आ जाएगा। पास का मतलब ये है कि पासवर्ड मोड में जाके इसका, ये जो कंट्रोलर है ये बेसिकली PID कंट्रोलर है, हाँ जी, और हम इसको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ रिले के ऑन ऑफ के लिए। हाँ जी, तो इसको ऑन ऑफ कंट्रोलर बनाना पड़ेगा हमको। हाँ ठीक वो है, ऑन ऑफ कंट्रोलर बनाने के लिए हमें पासवर्ड मोड में जाके इसको ऑन ऑफ बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये PID ही रहेगा। फिर ये PID की वैल्यू मांगता रहेगा हमेशा। बस अब इसमें 5296 जो इसका मॉडल नंबर है ना, ठीक है सर। वही पासवर्ड डालना है, ये 5296। ठीक है, हाँ जी 5296 आने के बाद सर, एंटर ऑन सेट ऑफ वन। करना है, ठीक है, ये ऑन ऑफ लिखा रहा है, अभी ये ऑन ऑफ है। ऑन ऑफ अगर है, इसने अपने को PID करना है तो PID आ गया। PID है, ठीक है, तो अपने को ऑन ऑफ ही चाहिए क्योंकि सिर्फ रिले वाला काम ही करवाना अपने को। ये ऑन ऑफ आ गया, सेट कर दिया, सर सेट कर दिया, बस काम खत्म। इसके एक बाद बारी में सर, एक बारी सारे जिन्नी सेटिंग है ना उन्हें वीडियो, दिखा रहा, अभी 472 सेट पॉइंट है ना। हाँ जी तो इसको आपने सेट पॉइंट को जो भी चेंज चूंज करना है, 2.5 वोल्ट वाले को ही सिलेक्ट करना हाँ है, जी और पीछे ये ऐसा रेजिस्टेंस लगा देना है। तो ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब वोल्टेज की रीडिंग करंट में आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है ना, 13 और 14 नंबर पे रेजिस्टेंस लगाना है। 13 से 14 थे, ठीक, ठीक है, बाकी वायरिंग की फ़ोटो ले लेना आप अलग से। ठीक है, प्योर वीडियो बनाना है तो यहाँ से देख लीजिए। ट्रांसमीटर कनेक्ट कर ली, हाँ ना, है ना, हाँ जी, और ट्रांसमीटर का ये है आपका, ट्रांसमीटर का नेगेटिव पॉजिटिव देख लो आप। हाँ जी, एक दिन कोई है ना, हाँ जी, पहला हमारा 1 to 5 वोल्ट रहेगा, जो हमने अगर 420 मिली ट्वेंटी, हाँ एम्पियर वाला ट्रांसमीटर लगाना हो तो ये जी, रहेगा। साथ में रेजिस्टेंस रहेगा 0 पे 0। जीरो, यहाँ हाँ स्पैन में आपको अपने ट्रांसमीटर की रेंज डालनी है, जो भी आपके ट्रांसमीटर की रेंज है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना है, हाँ जी, फिल्टर फिल्टर, विल्टर ये सेट, ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना है, हाँ जी, ये सारे हमारे किसी काम ये के नहीं टेन है। सेकंड सर, डिले, रिले डिले, ठीक हाँ रिले डिले। अब ये है, डिले मतलब जैसे अपना जितना सेट पॉइंट है हाँ जी, उसके 10 सेकंड बाद वो रिले एक्ट होगा, ये जो रिले हाँ आर, हाँ जब एक्शन मोड प्रेशर में कितना आ आएगा सर, जाएगा, वो रीडिंग आ जाएगा, जब भी हमारा प्रेशर आ गया हाँ जितना हमको चाहिए उसके, और 5 सेकंड तक वेट करेगा ये, वेट करेगा, उसके ठीक बाद ये रिले, तो ये डिले है, ये है, रिले डिले के ही रिले मतलब है, ठीक रिले डिले का मतलब यही है। ठीक है, हाई, उसके बाद हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस मतलब वो होता है जैसे जैसे अपन प्रेशर स्विच कैलिब्रेट करते हैं, हाँ तो जी, मान लो 10 kg पे NONC हो रहा है, हाँ जी, उसके बाद रिसेट कब रिसेट, होगा, हाँ 8 kg पे रिसेट होगा। हाँ जी, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे अगर हिस्टेरेसिस में तो 8 kg पे रिसेट हो जाएगा। ये रिसेट का बेसिकली वैल्यू है ये। अच्छा, ठीक है, अगर हिस्टेरेसिस नहीं हो तो हाँ क्या होगा, अगर हिस्टेरेसिस 0 हो जाए, 0.9 आते ही वो रिले NONC बिल्कुल फड़फड़ फड़फड़ाता रहेगा हमेशा, है बिल्कुल, ना, हाँ जी, तो फड़फड़ाए ना, उसके लिए हमें हिस्टेरेसिस डालना पड़ता है। डालना पड़ता जैसे है, अपना चिमनी का है 110 और 90, हाँ। ठीक है, तो ठीक वो बाकी और कुछ है नहीं इसमें, बाकी हिस्टेरेसिस के बाद ये डीपी, डेसिमल पॉइंट है, जैसे हाँ अपने को यहाँ पर कितना पॉइंट नाइन्टी नाइन देखना, पॉइंट नाइन रखना है या 100 ही रखना है, कैसा हाँ डेसिमल जहाँ रखना है। 100 के ऊपर लेके हाँ, जाना है, 1 का मतलब ये है कि हमने कोई डेसिमल नहीं रखना है। हाँ ठीक है, इसमें दूसरा ऑप्शन है आपका 0.1, कि पॉइंट वन, 99.1 ऐसा रहेगा, इसमें रहेगा 99.99, 2 डेसिमल तक दो दिखाएगा ये। डेसिमल तक दिखाएंगे, ठीक है, ये 3 डेसिमल तक दिखाएगा। ठीक है, कि एक ही वैल्यू रहेगी इसमें तो, और पीछे पॉइंट रह हाँ जाएंगे, हाँ जैसे तो अपनी मान लो 10 9 की रीडिंग है, हाँ तो 9.999, नौ ऐसे देखो आएगा, इसने दिखा ये 4 ही सकता है, इसमें जो LED सेगमेंट है 1 2 3 4 ही इसके पास में चार डिस्प्ले डिजिट है, का है, 4 डिजिट है। अब आप डेसिमल जहाँ मर्जी लगा लो, दिखाने इसने 4 डिजिट ही है, चार ही है, तो आपकी मर्जी है आप जहाँ पर लगा लो। ठीक है, तो हमने यहाँ लगा लिया, हमने एक भी नहीं लगाया, हम ये चाह रहे हैं कि 9999 ये पूरी रीडिंग क्योंकि दिखाए। अपना ट्रांसमीटर IR का है, ठीक है, अच्छा अभी
बाकी और कुछ कंट्रोल सेट पॉइंट। कंट्रोल सेट पॉइंट तब आता है जब हम इतने एज ए मतलब इसको पीआईडी कंट्रोलर यूज करते हैं, पीएलसी से पीछे से जब सेट पॉइंट आता है ना इसको, हाँ जी, तब वो कंट्रोल सेट पॉइंट की वो है। तो अभी तो हमने मैनुअली एंटर किया है 720 या 750 जो भी डाला था। ये ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस मतलब जो चमक है ना वो कितनी, ये 100 से कम कर देंगे तो धीरे धीरे फीका पड़ता जाएगा ये, ठीक है। बाकी ये कम्युनिकेशन की जैसे RS-485 मोडबस कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो मोडबस कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस आईडी लगती है, हाँ जी। ये 1 है इसका, अगर आपको डिवाइस आईडी चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। डिवाइस आईडी के बाद में बॉड रेट है इसका, बॉड रेट है। इसके बाद ये आपका रिट्रांसमिशन, रिट्रांसमिशन मतलब जैसे इस ट्रांसमीटर ने हमें सिग्नल दिया, हाँ जी, जो दिया, तो जो दिया उसी को हमें मान लो अपने घर पे भी एक मीटर लगा के डिस्प्ले कराना है, देना है, तो सेम 420 वहाँ भी चला जाएगा। जो इसको 4 मिला तो इसने आगे 4 दे दिया, हाँ जी। इसके आउट से निकलेगा ना सर, इसके आउट रिट्रांसमिशन से निकलेगा ये वाला जो है पॉइंट है सर, रिट्रांसमिशन आउटपुट 1 आउटपुट 2 ये दोनों दो जगह आप इसके रिट्रांसमिशन नहीं एक ही है सॉरी ये रिट्रांसमिशन आउटपुट है ये मोडबस के लिए है नीचे वाला हाँ ये यहाँ पे 17-18 पे आपको अभी मल्टीमीटर भी लगाओगे तो आपको दिख जाएगा जो मिली एम्पियर इसमें आ रहा है वही आउटपुट यहाँ से निकल जाएगा। सर मोडबस का थोड़ा दस दो। मोडबस का तो ऐसा है कि मोडबस के लिए हमें जो मतलब यहाँ पर भी ले जाएंगे ना, हाँ जी, वहाँ पर भी मोडबस को समझने वाली डिवाइस होनी चाहिए, सेम वही डिवाइस। मतलब ये तो मोडबस में मोडबस मतलब बात करने, जैसे मैं चाइनीज में बात करूँगा, हाँ जी, तो तुम्हें